हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको ये सर्च करना है टायरलेस सोल के नाम से मेरी आईडी है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सेकंड वीक का पार्ट वन कवर करूंगा। टोटल क्वेश्चन है 95। IBPS PO मेंस का एग्जाम बहुत नजदीक है और बहुत ही 4-5 दिन पहले की जीके पूछ लेते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और याद रखिए, जो नवंबर का पहला हफ्ता था मैंने 3 पार्ट्स में कवर किया है, तो वो भी आपको तीनों पार्ट डिटेल में कवर करने हैं। आज आखिरी दिन है, 15 तारीख है, यानी हमारी चिल्ड्रंस डे की जो सेल थी उसका आखिरी दिन है आज। अभी 8 घंटे बचे हैं। आप कोई भी पेनड्राइव कोर्स खरीदना चाहें, SSC, बैंक पीओ, UPSC, तो आप खरीद सकते हैं और ये दिए हुए 3 नंबर में से एक नंबर डायल कर सकते हैं या फिर studyiq.com पर जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, आपको एक छोटी सी गुड न्यूज़ दे देता हूं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने studyiq चैनल को भारत के 5 सबसे बड़े चैनल्स में नाम उनका लाए हैं, और उन 5 में से भी वो इंडिया का बेस्ट एजुकेशन चैनल कौन सा है वो अवार्ड देंगे 19 तारीख को। तो ये देखना होगा studyiq जीतता है या नहीं, लेकिन भारत के शुरू के 5 में भी आना वो भी कोई छोटी बात नहीं है। और बहुत बड़े बड़े चैनल हैं एजुकेशन में जिनके साथ हमारा नाम आया है, जैसे संदीप महेश्वरी, TS मदान इत्यादि। तो 19 तारीख को मैं विजयवाड़ा जा रहा हूँ आंध्र प्रदेश में, और चंद्रबाबू नायडू वहाँ पर होंगे, दीपिका पादुकोण होंगी, राणा दुगुबत्ती होंगे, बहुत सारे और लोग होंगे। और मैं अगर विजयवाड़ा में आप हैं और मिलना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ मुझे gaurav.studyiq@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। ये सब आपके सहायता से हुआ है, आपके योगदान से हुआ है, और इसलिए आपको मैं बहुत ज़्यादा दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, IBPS क्लर्क का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन ये पूछे गए थे, तो मैंने सोचा एक बार फटाफट आपको ये देख लें। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं इन पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। कुल मिलाकर एक क्वेश्चन को छोड़ के, जो ये पहले वाला है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, इसको छोड़ के सारे क्वेश्चन मेरे वीडियोज़ में से आए थे, वो भी सिर्फ करंट अफेयर के। यानी कि आपको स्टैटिक वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर के जो वीडियो हैं उन्हीं में से अगर आपने देख लिए तो आप 40 में से 39 क्वेश्चन मजे में सॉल्व कर सकते हैं। बस ये एक क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया था, और वो भी इसलिए क्योंकि अभी मैंने वीडियोस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताना स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैं नेशनल पार्क बताता हूँ, और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये आपको पता ही होगा उड़ीसा में है, तो ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो करंट अफेयर के वीडियो से बाहर है, तो मैंने सोचा इसलिए आपको दिखा दूँ। और ये बाकी 20 हैं, ये तो सीधे सीधे आ गए, मतलब कैंडी ऐप। अगर आपने मेरे बैंकिंग अवेयरनेस के 5 पार्ट देखे हैं, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर के 4 पार्ट और अक्टूबर का 1 पार्ट। एक और बात आपको बताता हूँ, 26 तारीख को कई लोगों का पेपर है IBPS PO मेंस का, तो उन्होंने ये कहा है कि जो 22 दिन या 20 दिन की बैंकिंग अवेयरनेस है इस महीने की नवंबर की, तो वो वीडियो थोड़ा जल्दी दे दीजिए। तो बिल्कुल 23 तारीख को बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो दे दूंगा नवंबर का, जिसमें 20 दिन की बैंकिंग अवेयरनेस होगी 1 से 20 नवंबर तक की, तो उसका भी वेट करिए। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। कौन सा मोबाइल वॉलेट है जिसने भीम UPI को अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर लिया है? भारत जो इंटरफेस है ये भीम, इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे रखा था, और UPI बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, ये इंटीग्रेट करा है पेटीएम ने। अब जो यूजर हैं 1 लाख रुपए तक एक दिन में भेज सकते हैं भीम UPI की मदद से, और कोई रिसीविंग लिमिट नहीं है, मतलब पेटीएम पे कितना भी पैसा आप रिसीव कर सकते हैं भीम UPI पे, पर भेज सकते हैं 1 लाख रुपए। पेटीएम से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, पहला तो ये आ जाता है कि भाई पेटीएम का चेयरमैन फाउंडर कौन है, विजय शेखर शर्मा। लेकिन सावधान, पेटीएम पेमेंट बैंक का भी पूछ रहे हैं आजकल, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के विजय शेखर शर्मा नहीं है मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है रेणु सती है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पेटीएम पेमेंट बैंक की, और पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन। पेटीएम ने अपना पेमेंट बैंक खोला था जो भारत का तीसरा पेमेंट बैंक था जो भारत में खुला था, पहला था एयरटेल, दूसरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तीसरा पेटीएम पेमेंट बैंक और चौथा फिनो पेमेंट बैंक। अभी तक 4 ही पेमेंट बैंक भारत में खुले हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है? अब ये एक कनेक्टेड कार प्लेटफॉर्म बना रही है अपनी ऑटोमोबाइल फर्म्स के लिए, ये कंपनी है ओला। ओला कंपनी के CEO अक्सर पूछते हैं एग्जाम में, भावीश अग्रवाल। और इस कंपनी की कॉम्पिटिटर कंपनी कौन सी है? उबेर। और उबर कंपनी का CEO कौन है? दारा खोसरोव शाही। अमेरिका की कंपनी है ये, और ओला कंपनी के फाउंडर हैं भावीश अग्रवाल। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अभी अभी एक प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट में संशोधन किया है? तो और इसमें कई तरह के अब कानून तोड़ने वाले लोग हैं जो इंक्लूड कर लिए गए हैं, ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जहाँ पे चार मीनार है, जहाँ पे हुसैन सागर लेक है, लुम्बिनी पार्क इत्यादि है, गोलकोंडा फोर्ट है, बतुकम्मा बहुत फेमस त्यौहार है तेलंगाना का।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा, ये सब चीज़ें याद रखिए तेलंगाना के बारे में। मिशन काकाटिया भी इन्होंने चलाया हुआ है तेलंगाना ने, और बस इसमें इतना याद रखना आपको। इनमें से कौन सा दुबई का बैंक है जो भारत में, जिसने अपने ऑफिसेज खोल लिए हैं, भारत में काम करना स्टार्ट कर दिया है और पहला ऑफिस खोला है मुंबई में? कौन से बैंक की बात हो रही है यहाँ पे? दुबई जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हिस्सा है, इसमें 7 एमिरेट आते हैं, जैसे दुबई है, शारजा है, कई सारे हैं, टोटल हैं 7। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है? आबू धाबी। तो ये बैंक है एमिरेट्स NBD, एमिरेट्स NBD, और ये इनकी 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच है UAE के बाहर, एमिरेट्स NBD की मुंबई के अंदर। मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, तड़ोबा नेशनल पार्क है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी IFAD ने अप्रूव कर दिए हैं सॉफ्ट लॉन्स 4th चरण के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जो अपलैंड एरियाज के लिए है। कितने रुपए का लोन दे रहा है IFAD? ये लोन होगा $30 मिलियन का। ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दिया है, असम, मेघालय, अरुणाचल और मणिपुर, 4 राज्यों के लिए दिया है मेनली। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, असम से आते हैं, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मेघालय में नोकरेक और बालफक्रम नेशनल पार्क हैं, असम में है सोनई रुपई नेशनल पार्क, और मानास, काजीरंगा, ओरांग, आमचंग सेंचुरी है, नामेरी नेशनल पार्क है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, मणिपुर में लोकटक लेक है, मणिपुर की मैरी कॉम है और इरोम शर्मिला है, मणिपुर के वैसे एक और खिलाड़ी हैं प्रदीप कुमार, जिन्हें एड्स है, उसके बावजूद वो बॉडी बिल्डिंग चैंपियन हैं, इन पे किताबें लिखी गई हैं इनके जीवन पे, IMHIV पॉजिटिव, सो व्हाट। तो चलो आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, IMHIV पॉजिटिव, मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो क्या हुआ, ये किताब लिखी किसने है? प्रदीप कुमार के जीवन पे है ये। इनमें से कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री है हमारा जिन्होंने 2 दिवस का एक चिंतन शिविर का आयोजन करा, ये एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप था, ये आप देख सकते हैं, HRD मंत्री हैं हमारे, इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, तो ये ऑर्गेनाइज करा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। और एक इन्होंने पोर्टल भी लॉन्च करा है जिसका नाम है शाला सारथी। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मदर ट्रेसा मेमोरियल अवार्ड सामाजिक न्याय के लिए दिया जाएगा हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा? ये है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, और मिस्टर फिलिपो ग्रांडी हैं इसके हेड। यूनेस्को के हैं ऑड्री अजोले जो फ्रांस की हैं, यूनिसेफ के एंथोनी लेक हैं, WHO की टेड्रोस आधानोम है, और WHO के टेड्रोस आधानोम इथोपिया के हैं जिसकी राजधानी एडिस अबाबा है, और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं WHO की सौम्या स्वामीनाथन जो भारत की हैं, यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पोर्चुगल के हैं। अभी अभी एक इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट रिलीज करी है, इसके ऑथर कौन है? ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, इनका नाम है डॉक्टर सौम्य कांति घोष। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी अपनी ब्रांच सिंगापुर में खोली है, और रजनीश कुमार इसके नए चेयरमैन हैं अरुंधति भट्टाचार्य के बाद। और भारत के अगर पूछें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है तो वो है अरविंद सुब्रमण्यम, इनकी अवधि बढ़ा दी गई है। अभी अभी एक कमेटी बनी है जो ये चेक करेगी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड कानून है उन वो कितने अच्छे हैं, उनमें क्या चेंजेस होने चाहिए। इस कमेटी का हेड किसे बनाया गया है? इनका हेड बने हैं एम विनोद कुमार। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के अंडर आता है, वनजा सरना इसके चेयरमैन हैं। नीति आयोग और प्रोफर ने मिलकर एक 4 दिवसीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ब्लॉकचेन समिट और हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करा, कौन से IIT में ये ऑर्गेनाइज करा? और जो प्रोफर है ये कंपनी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डील करती है, तो ये ऑर्गेनाइज करा IIT दिल्ली के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिनके जीवन पे एक फिल्म रिलीज हुई है एन इनसिग्निफिकेंट मैन, और अनिल बैजल हैं यहाँ के गवर्नर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को यह कहा है कि वो डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी दिव्यांगों को दे और सीनियर सिटीजन को दे, जिनकी एज कितने से ज्यादा है, जिनकी एज 70 से ज्यादा है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई दिव्यांग है तो उसके घर पे जाके उसे बैंकिंग की सुविधाएं दी जाए। दूसरी बात, अगर कोई भी KYC कंप्लायंट अकाउंट है तो उसको ऑटोमेटिकली सीनियर सिटीजन अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए अगर उसकी एज 70 से ज्यादा है। ये कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, गवर्नर है उर्जित पटेल। भारत की पहली कोवर्किंग स्पेस कौन सी है जो अभी अभी दिल्ली NCR में लॉन्च हुई है? इसका नाम है वर्को लैब, और ये गुड़गांव और दिल्ली में लॉन्च हुई है। इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर हैं वो साथ मिलकर काम कर सकेंगे, और इसको फाउंड करा है यशराज और युवराज भारद्वाज ने। IRDA
IRDA जो है इन्होंने अनिवार्य कर दिया है कंपनीज को कि वो जितनी भी उनकी इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी है सबको आधार से लिंक करेंगे। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है TS विजयन। और याद रखिए, आधार अनिवार्य हो गया है सारी बीमा पॉलिसी के लिए। कौन सा राज्य है जिसने उर्दू को अपनी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है? इनकी पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, ये राज्य है तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश की भी पहली लैंग्वेज है तेलुगु। तेलंगाना ने उर्दू को अपनी दूसरी राजकीय भाषा ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने अभी अभी एक MOU साइन करा है, भारत का दूसरा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सपोर्ट सेंटर बनेगा, यानी टिस्क बनेगा चेन्नई में। कौन सी यूनिवर्सिटी में बनेगा? कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हुआ है? यह यूनिवर्सिटी है अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु में मुकुर्थी नेशनल पार्क है और गुंडी नेशनल पार्क है। चेन्नई में कजाकिस्तान ने अपना ऑफिस खोला है 25 साल पूरे होने के बाद। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे 21वां एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड मिला जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर कैटेगरी में? दो तरह का इंश्योरेंस होता है, एक होता है जीवन बीमा जिसे बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, और एक इसको छोड़ के जितना भी बीमा होता है सबको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। इस कंपनी का नाम है अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिन्होंने अपना ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसका नाम है शी बॉक्स उसमें विस्तार किया है? ये हमारी मंत्री है उसकी, ये है मनेका गांधी जो पीलभीत उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद है, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मंत्रालय है ये। और पीलभीत से एक नदी भी निकलती है जिसको बोलते हैं गोमती नदी, जिसे ऋषि वशिष्ठ की बेटी कहा जाता है। लखनऊ भी गोमती के किनारे है, पीलभीत से ये लखनऊ आती है ये नदी। इनमें से कौन सा एंथम है जो 2017 AIBA यूथ वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो गुवाहाटी में होने वाला है उसके लिए रिलीज किया गया है? इसकी ब्रांड एम्बेसडर है मैरी कॉम, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो इस एंथम का नाम है मेक सम नॉइज, थोड़ी सी आवाज करिए, मेक सम नॉइज। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं प्रेसिडेंट अजय सिंह। एक बात और बता देता हूं जो क्वेश्चन 100% आएगा, इसका मैस्कॉट क्या है? ये जो जानवर है ये देखिए गैंडा है, ये एक सिंह का गैंडा जो काजीरंगा में रखा जाता है और मानस में रखा जाता है। तो इसका नाम है गप्पी है शुभंकर, ये फीमेल वन हॉर्न राइनो है और राइनो के लिए फेमस है काजीरंगा और मानस, मेनली काजीरंगा लेकिन मानस में भी काफी आपको मिलेंगे। और ये जो व्यक्ति है ये मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। हमारे पर्यटन मंत्री अल्फोंस कनंथनम यानी KJ अल्फोंस इनका नाम है, ये राज्यसभा में इलेक्ट हो गए हैं। कौन से राज्य से? ये हो गए हैं राजस्थान से। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ का राजकीय पक्षी है, और यहाँ पे सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, यहाँ पे भरतपुर यानी कियोलाडियो नेशनल पार्क है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, यहाँ की वसुंधरा राजे, कल्याण सिंह हैं यहाँ के गवर्नर। तो राजस्थान में रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, और बस इतना याद रखना है आपको। हमारे जो कल्चर के मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर महेश शर्मा, टूरिज्म के मंत्री हैं KJ अल्फोंस और ये केरल के हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेमा को थोड़ा सा उदार बना दिया है, उसे सिंप्लीफाई कर दिया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत जितने भी अमेंडमेंट हैं वो एक ही नोटिफिकेशन में डाल दिए हैं। ये जो एक्ट है फेमा, ये कितनी बार इसमें संशोधन अब तक हो चुका है? टोटल इसमें संशोधन हो चुका है 93 संशोधन हो चुके हैं, 93 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 1999 में बनी थी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये आपको याद रखना है। ट्विटर ने अपना जो कैरेक्टर काउंट है डिस्प्ले नेम्स का प्लेटफॉर्म पे, वो बढ़ा के कितना कर दिया है? तो जो फाइनल इन्होंने करा है वो करा है 50 कैरेक्टर। यूजर नेम जो है, यूजर नेम कैन ओनली बी अप टू 15 कैरेक्टर, यानी ट्विटर पे आपका जो यूजर नेम है जिस नाम से आप जाने जाते हो वो 15 कैरेक्टर का हो सकता है सिर्फ। और इससे पहले अगर आपको याद होगा ट्विटर ने 140 से कैरेक्टर बढ़ा के कर दिए थे 280। और ट्विटर कंपनी के जो CEO हैं वो है जैक डॉर्सी। ये क्वेश्चन काफी आता है। गवर्नमेंट ने जो होम लोन अगर आप लेना चाहते हैं, होम लोन बोरोइंग लिमिट है किसी भी केंद्रीय सरकार के एम्प्लॉई के लिए 7वें पे कमीशन के हिसाब से बढ़ा के कितनी कर दी है? पहले ये लिमिट सिर्फ 7.5 लाख रुपए थी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो 7.5 लाख रुपए से ज्यादा होम लोन बोरो नहीं कर सकते, होम लोन नहीं ले सकते, लेकिन अब आप 25 लाख तक ले सकते हो। तो अब लिमिट कर दी है 25 लाख रुपए। एक और परिवर्तन किया है, 34 महीने आप कैन बोरो अप टू 34 मंथ्स ऑफ द बेसिक पे टू अ मैक्सिमम ऑफ 25 लाख, यानी 34 महीने की आपकी जो बेसिक पे है उतना आप बोरो कर सकते हो, और जो टोटल लिमिट है वो है 25 लाख। कौन सा बैंक है जिसने ये कहा है कि 1 नवंबर से आप
आरटीजीएस और एनईएफटी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। एनईएफटी जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है और आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। एनईएफटी और आरटीजीएस में यह फर्क होता है, एनईएफटी में आपको कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है और आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपए आपको ट्रांसफर करने पड़ते हैं। एनईएफटी तुरंत नहीं होता, बैचेस में जाता है। अगर आपने 5-15 पे कराए तो फिर अगला बैच जब होगा तब जाएगा, जैसे 6 बजे का बैच है अगर 6 से 7 तो 6 वाले में जाएगा। आरटीजीएस में तुरंत पैसा जाता है, आरटीजीएस और आईएमपीएस दोनों में रियल टाइम में पैसा मिलता है, 1 मिनट के अंदर अंदर पैसा मिल जाता है। ये करा है एचडीएफसी बैंक ने, जो एक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। आईसीआईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक है, ये तीनों हमारे डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। इनका जो एसेट है एक कंपनी का वो 2% ऑफ इंडिया के जीडीपी से ज्यादा है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इन बैंक्स को रिस्क टू वेटेड एसेट रेशियो भी, जिसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, वो भी ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है इसीलिए। और इस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है आदित्य पुरी। भारतीय जो नेवी है वो एक एडवांस्ड कैटापुल्ट बेस्ड एयरक्राफ्ट लॉन्च मैकेनिज्म यूज कर रही है अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, IAC-2 के लिए। इसका नाम है कैटोबार। कैटोबार जो है ये कौन से देश की टेक्नोलॉजी है जो हम यूज कर रहे हैं? ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। अमेरिका से हम F-16 प्लेन भी खरीदते हैं एयरक्राफ्ट, और ये कंपनी लॉकहीड मार्टिन है जो इनको बनाती है अमेरिका में। इसके अलावा बोइंग भी अमेरिका की कंपनी है, और हमारी इंडियन नेवी के जो हेड है वो है सुनील लांबा। इनमें से पहले सिख मेयर कौन बने हैं अमेरिका में? होबकन सिटी, न्यू जर्सी शहर, न्यू जर्सी स्टेट के अंदर है ये होबकन सिटी। तो ये इनका नाम बताना है आपको, इनका नाम है रविंदर सिंह भल्ला, रविंदर सिंह भल्ला। और एक बात याद रखिए, जगमीत सिंह जो है कनाडा में, वो जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी उसको लीड करेंगे, वहाँ पे सरदार हैं। और हरजीत सिंह ये कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये भी दो इंपॉर्टेंट, तो ये 3 इंपॉर्टेंट सरदार हैं जो आपको याद रखने हैं। भारत ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड, भारत जो है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दोबारा री इलेक्ट हो गया है? ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। यूनेस्को के 39th सेशन जो था पेरिस में, उसमें ये किया गया अनाउंसमेंट। और ऑड्री अजोले फ्रांस की हैं, ये हैं इसकी डायरेक्टर जनरल। और ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस है इनकी हर 2 साल में एक बार होती है। भारत में 36 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो 36 बना था वो था अहमदाबाद का शहर। सबसे ज्यादा है इटली में 53, फिर है चाइना में 52। अभी अभी एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट दी है, उसके हिसाब से इनमें से कौन सा शहर है दुनिया का जो बेस्ट है डिजिटल बनने के लिए 45 शहरों में, यानी सबसे ज्यादा डिजिटल बनने के लिए कौन सा बेस्ट शहर डिक्लेयर किया गया है? तो ये शहर है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक, जहां पे आंची नेशनल पार्क है, बनरगट्टा, बांदीपुर, नागरहोले, कुद्रेमुखा टाइगर रिजर्व और डांडेली टाइगर रिजर्व है। कुद्रेमुखा 2013 में टाइगर रिजर्व बना था सबसे लेटेस्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया और गवर्नर हैं वाजी भाई वाला। दूसरे नंबर पे है सैन फ्रांसिस्को जो न्यूयॉर्क शहर में है अमेरिका में, और तीसरे पे मुंबई है, और चौथे पे दिल्ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल सर्विसेज डे, कानूनी सेवाओं का दिवस हम कब मनाते हैं भारत में? इसको मनाया जाता है 9 नवंबर को। और क्यों मनाते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया था 1995 में, और भारत के चीफ जस्टिस हैं दीपक मिश्रा, जो भारत के 45वें चीफ जस्टिस हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी ने, जो सरकारी एजेंसी है, उन्हें अलाउ कर दिया है कि वो ओनियन यानी प्याज को खरीद सकते हैं प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन कमेटी का हेड कौन है? इस कमेटी का नाम है अविनाश श्रीवास्तव कमेटी, अविनाश के श्रीवास्तव कमेटी। हमारे कंज्यूमर अफेयर मंत्री हैं, कंज्यूमर अफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मंत्री हैं रामविलास पासवान, हाजीपुर बिहार से लोकसभा सांसद हैं। हमारी फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, अभी अभी वर्ल्ड फूड इंडिया भी हुआ था अगर आपको याद हो, भटिंडा से लोकसभा सांसद हैं। और हमारी जो एग्रीकल्चर मंत्री राधा मोहन सिंह, पूर्वी चंपारण बिहार से लोकसभा सांसद हैं। मनु शर्मा का निधन हो गया, ये मशहूर क्या थे? ये मशहूर लेखक थे, ऑथर थे। इनको हनुमान प्रसाद शर्मा के नाम से लोग जानते हैं, हनुमान प्रसाद शर्मा बहुत बड़े लेखक थे, यश भारती अवार्ड, पद्मश्री, काफी अवार्ड इन्हें मिले हुए थे। इनकी एक जो किताब है, एक किताब आपको जरूर याद रखनी है, वो है कृष्ण की आत्मकथा। कृष्ण की आत्मकथा, जीएसटी काउंसिल की 23वीं मीटिंग गुवाहाटी के अंदर हुई। इन्होंने बहुत सारी आइटम ऐसी हैं जो टैक्स ब्रैकेट में 28% से, जिनका जो 28% टैक्स ब्रैकेट में थी उनमें 228 आइटम थी, अब उनका नंबर घटा के कितना कर दिया, यानी जीएसटी घटाए ही जा रहे हैं। 28% से 228 आइटम से घटा के अब कर दी हैं इन्होंने सिर्फ 50, सिर्फ 50। तो याद रखिए,
और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, जैसे जो कंपोजिशन स्कीम है उसमें 1.5 करोड़ से जो थ्रेशोल्ड है वो अब बढ़ा दिया है, मतलब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दिया है। पहले 1 करोड़ था कंपोजिशन स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम है जिसमें जो छोटी कंपनियां उन्हें हर महीने जीएसटी फाइल नहीं करना पड़ेगा, साल में सिर्फ 4 बार जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। और जो फाइन है लेट फाइल अगर आप रिटर्न करते हैं तो वो 200 रुपये से घटा के सिर्फ 20 रुपये कर दिया है। तो हर रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। और ये है हसमुख अधिया, ये है हसमुख अधिया, ये नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, ये भी याद रखिए, अशोक लवासा के बाद यही बने हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने MOU साइन करा है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का, जिससे कैदी जो है जेल में उनको सुधारा जा सके। ये करा है हरियाणा की सरकार ने साइन। ये है आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर जी, और हरियाणा की सरकार ने ये MOU साइन करा है। और एक प्रिजन स्मार्ट प्रोग्राम स्टार्ट करेगी ये। यहाँ पे स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग, यानी कैदियों के मानसिक सुधार के लिए। और हरियाणा में कलेसर नेशनल पार्क है और यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कप्तान सिंह सोलंकी यहाँ के गवर्नर हैं। बैंक ऑफ चाइना ने अपनी पहली ब्रांच खोली है पाकिस्तान में, कहाँ पे खोली है, अब्बासी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और कराची सिंध की राजधानी है और पंजाब की राजधानी लाहौर है। ये बैंक खुला है कराची में, जो सिंध की राजधानी है। कराची में एक बहुत खूबसूरत बीच है जिसे बोलते हैं क्लिफ्टन बीच, क्लिफ्टन बीच। और पाकिस्तान में एक बंदरगाह चाइना ने बनाया है ग्वादार। इनमें से कौन से राज्य की सरकार जो है एक विलेज क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कमेटी बना रही है, 5,000 गांव में 15 डिस्ट्रिक्ट में 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके। यानी ऐसा कृषि हम करना चाहते हैं जो जलवायु परिवर्तन ना करे, एनवायरमेंट को डैमेज ना करे। ये डिसीजन लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। यहाँ का लवणी स्टेट डांस है जो फोक डांस है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार है, गवर्नर है सी विद्यासागर राव। और इस प्रोजेक्ट का नाम है नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रोजेक्ट, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रोजेक्ट। रशियन फिल्म डेज का 3रा अध्याय अभी अभी कहाँ पे आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में, रशियन फिल्म डेज। और इसमें राज कपूर को श्रद्धांजलि दी गई। एक फ्रांस की नॉवल है जिसका नाम है लॉर्डर ड्यूजूर, यानी ऑर्डर ऑफ द डे। इसको लिखा है एरिक वुलार्ड ने, इसे प्री गोंको 2017 का अवार्ड मिला है। आपको यह बताना है यह किताब किसके जीवन पर है। यह किताब है हिटलर के जीवन पे, एडोल्फ हिटलर, नाजी पार्टी जर्मनी के एडोल्फ हिटलर के जीवन पर है। इन्हें फ्यूरर बोलते थे, द फ्यूरर। और लॉर्डर ड्यूजूर यानी ऑर्डर ऑफ द डे लिखा है, इस किताब के लेखक है एरिक वुलार्ड। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहां पे OECD का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, और पेरिस में 2024 के ओलंपिक खेल होंगे। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एन मार्श पार्टी के इमैनुअल मैक्रोन। कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने अपना इंटेल और USD ग्लोबल, उसके लिए एक MOU साइन करा है इन्होंने इंटेल एंड USD ग्लोबल के साथ। ये राज्य है केरल, केरल है ये राज्य, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इसको न्योरा वैली के साथ कंफ्यूज नहीं करना, न्योरा वैली पश्चिम बंगाल में है और कांगर वैली छत्तीसगढ़ में है, केरल में। इसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क है, मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क है, पाम्बाडम शोला नेशनल पार्क है, और यहाँ के डांस है कथकली और मोहिनीअट्टम। दिल्ली की जो सरकार है उन्होंने एक ट्विन सिटी एग्रीमेंट साइन करा है जिसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंडशिप सिटी रिलेशनशिप। ये कौन से देश के साथ साइन करा है दिल्ली की सरकार ने, ये देश है सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। राष्ट्रपति है मून जाए इन। यहाँ की कंपनी है ह्यूंडई, LG और सैमसंग, जो भारत में व्यापार करती हैं। जो ह्यूंडई कंपनी है ये भारत में जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था अभी अभी, जिसे इंग्लैंड ने स्पेन को हरा के 5-2 से जीता है, उसमें ऑफिशियल ट्रेवल पार्टनर थी। और एडिडास ने अपनी गेंद दी थी, ऑफिशियल मैच बॉल दी थी। अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, फीफा अंडर 17 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें एडिडास ने जो गेंद यूज करी थी उस गेंद का क्या नाम था, कमेंट्स में लिख के बताइए। उत्तराखंड सरकार ने अभी अभी अपना फाउंडेशन डे मनाया, ये आपको बताना है। ये 27वां राज्य बना था भारत का, किस साल में बना था, ये बना था 2000 में छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ। झारखंड कटा था बिहार से, छत्तीसगढ़ कटा था मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड कटा था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जमरानी बांध को लेकर विवाद चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, राजधानी देहरादून है। यहाँ पे भारत के दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा टाइगर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। एक इंपॉर्टेंट बात, राजाजी टाइगर रिजर्व 2013 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था, कुद्रेमुख जो कर्नाटका में है उसको भी 2013 में मिला था, इन दोनों को मिला था। उत्तराखंड के गवर्नर पूछ लें तो KK पॉल।
यूनिटी टेक्नोलॉजी कंपनी के हिसाब से ग्लोबल गेमिंग इंस्टॉल में भारत की क्या रैंक है? ग्लोबल गेमिंग इंस्टॉल में भारत की पोजीशन 9 थी, अब हो गई है थर्ड। यानी मोबाइल जो डिवाइसेस हैं वो गेमिंग काफी भारत में उनका प्रचलन बढ़ रहा है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप, और ये कोयला मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल, रेल मंत्री भी हैं ये। ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप ये बनाई है कोल इंडिया लिमिटेड ने। और चेयरमैन कौन है कोल इंडिया लिमिटेड के, पता होना चाहिए, गोपाल सिंह को गोपाल विट्टल के साथ कंफ्यूज मत करना, एयरटेल कंपनी के सीईओ हैं गोपाल विट्टल और एयरटेल कंपनी के मालिक हैं सुनील मित्तल, भारतीय एयरटेल। अभी IBBI में जो नया परिवर्तन आया है, एज पर द न्यू अमेंडमेंट मेड टू द रेगुलेशन ऑफ IBBI, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इंक्लूडिंग प्रोमोटर्स विल बी कंसिडर्ड बाय द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बिफोर अप्रूविंग अ रेजोल्यूशन प्लान। वैसे मैं इसको बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा ये क्या है। बेसिकली अगर कोई दिवालियेपन का कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसमें से इनमें से कौन सी डिटेल है जो कंसिडर की जाएगी क्रेडिटर्स कमेटी के द्वारा, इससे पहले वो दिवालियेपन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकें। तो ये है क्रेडिट वर्थिनेस, एंटीसीडेंट और क्रेडिबिलिटी, यानी ऑल ऑफ द अबव। IBBI के जो चेयरमैन है, जो इंसॉल्वेंसी बोर्ड है हमारा, उसके चेयरमैन है MS साहू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो रिस्क है, रिस्क मैनेजमेंट उससे रिलेटेड और कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ डायरेक्शन इशू करी है। तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग है और जो रूल रेगुलेशन है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये कौन सी कंपनियों के लिए करे हैं इन्होंने? ये करे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए करे हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी होती है जो बैंक की तरह काम करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है ये जिसे कहते हैं बैंकिंग लाइसेंस इन्हें नहीं मिला होता, जैसे मुथूट फाइनेंस वगैरह, ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इनके द्वारा जो ATM चलाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं वाइट लेबल ATM। UN थीम फॉर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व विज्ञान दिवस मनाया 10 नवंबर को। इसका थीम क्या था? इसका थीम था साइंस फॉर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। एस्ट्रोसैट एक्सरे पोलराइजेशन ऑफ क्रैब पल्सर इन द टॉरस कॉन्सिलेशन, एस्ट्रोसैट ने मेजर करा है एक्सरे पोलराइजेशन क्रैब पल्सर का। पल्सर एक तारा होता है एक तरह का, टॉरस नाम का एक आकाश, एक कॉन्सिलेशन है, यानी जैसे मिल्की वे है वो भी कॉन्सिलेशन है, जो तारे होते हैं स्टार उनके गुच्छों को बोलते हैं तो कॉन्सिलेशन, और ये कॉन्सिलेशन है टॉरस। आपको ये बताना है ये एस्ट्रोसैट जो मेजर करा है ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने करा है? ये करा है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। ये भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, याद रखिए। इसरो के चेयरमैन है AS किरण कुमार, है बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, CNSA चाइना की है, ESA बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी को। भारत ने अभी एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण करा है जो 300 किलो तक के न्यूक्लियर बम कैरी कर सकती है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है निर्भय। और इसको कहां से छोड़ा? चांदीपुर स्टेशन से छोड़ा, ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिल्का लेक है यहाँ पे जो भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का लेक है, लगून लेक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भारत की अपनी खुद की मिसाइल है, किसी की मदद से हमने नहीं बनाई। इनमें से कौन सा बैंक है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया है? अब ये बैंक अपने ऑफिस खोल सकता है कुवैत में और सिंगापुर में। कौन सा बैंक है ये? ये है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है कोची केरल में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। सरकार ने नोटिफाई करा है थर्ड टैक्स अवॉइडेंस प्रोटोकॉल, कौन से देश के साथ, जिसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये इन्होंने करा है न्यूजीलैंड के साथ, राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के इतिहास में तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है सिर्फ 37 साल की, नाम है जैकिंडा आर्डन। यूरोपियन यूनियन ने अपना इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन कौन से देश में आने वाले इलेक्शंस के लिए करा है? ये देश है नेपाल। नेपाल में नजर रखी जाएगी इलेक्शन के ऊपर, और नेपाल की प्रधानमंत्री हैं नेपाल के शेर बहादुर देवबा। काठमांडू हेडक्वार्टर है, जो सार्क का हेडक्वार्टर है, ये राजधानी है नेपाल की, और नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। इनमें से किस व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? एसोचैम, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा
ये वन डे नेशनल समिट हुआ था लीडरशिप कम अवार्ड जो रांची में हुआ था, झारखंड की राजधानी रांची में। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं रघुबर दास, जो यहाँ के पहले गैर आदिवासी समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। तो ये मिला है माया स्वामीनाथन सिन्हा को। ये सीएमसी स्किल्स नाम की कंपनी की फाउंडर हैं। याद रखिए कंपनी का नाम सीएमसी स्किल्स। और हमारे स्किल डेवलपमेंट मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे तेल और गैस के मंत्री भी हैं। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने मोबीक्विक और नेटवन कंपनी के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड लॉन्च करा है और वीजा प्लेटफॉर्म यूज करा है इन्होंने? ये बैंक है IDFC बैंक। IDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं राजीव लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजीव लाल। और मोबीक्विक कंपनी की CEO कौन है? बिपिन प्रीत सिंह है CEO, और बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू हैं को फाउंडर्स। सरकार ने अपनी जो गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है उसको डबल कर दिया है। कितना कर दिया है? ये इन्होंने कर दी है 20% कर दी है। पहले 10% थी, और जो मटर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है वो 50% लगा दी है मटर के ऊपर। याद रखिए अभी सर्दियों का सीजन है, यानी रबी सीजन स्टार्ट हो गया है। अब सरकार, अभी जो किसान है वो गेहूं उगाएंगे और फिर मार्च के आसपास गेहूं को काट लेंगे। रबी सीजन स्टार्ट हो चुका है। इनमें से कौन सा देश है जो पहला देश बना जिसने फेसबुक के साथ टाई अप किया है डिजास्टर रेस्पॉन्स के लिए, यानी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए फेसबुक की मदद ली है? ये कौन सा देश है? ये देश है भारत। और एक बात याद रखिए, भारत में कौन से राज्यों ने करा है फेसबुक के साथ टाई अप? असम ने करा है और उत्तराखंड ने करा है, और दोनों ही डिजास्टर प्रोन है। आपने उत्तराखंड फ्लड्स के बारे में सुना होगा, और असम में तो फ्लड्स आते रहते हैं। इस साल तो रिकॉर्ड फ्लड आए हैं असम के अंदर। फेसबुक कंपनी जो है इसके ओनर, यानी CEO बोल सकते हैं, वो है मार्क जकरबर्ग। इस तरह की कंपनियों का कोई एक ओनर नहीं होता, तो CEO होते हैं मार्क जकरबर्ग। और कंपनी के COO हैं शेरियल सैंडबर्ग। अमेरिकन कंपनी है फेसबुक। अभी अभी गोल्ड मेडल किसने जीता लाइट फ्लाईवेट कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में? इन्होंने वियतनाम की खिलाड़ी, इन्होंने वियतनाम में ये हुआ था, और इन्होंने फाइनल में हराया नॉर्थ कोरिया की खिलाड़ी को, जिनका नाम है किम हियांग मी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योनयांग, वहां के तानाशाह हैं किम जोंग उन, और नॉर्थ कोरिया की मुद्रा है वन। ये चैंपियनशिप हुई थी होचिमिन शहर में वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी हनोई है। इनका नाम है मैरी कॉम, मैरी कॉम। और ये पांचवा गोल्ड मेडल है इनका एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और पांच बार एशियन चैंपियन, पांच बार वर्ल्ड चैंपियन। कौन सी टीम ने गोल्ड मेडल जीता वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में, जो वर्ल्ड शूटिंग पैरास्पोर्ट वर्ल्ड कप हुआ, अभी भी हुआ है थाईलैंड में? थाईलैंड आसियान का मेंबर है, आसियान में 10 कंट्री हैं। 26 जनवरी को ये हमारे गेस्ट होंगे 2018 में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और ये जीता, इंडिया ने जीता है ये, इंडिया ने। और भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया था? नाम याद रखिए खिलाड़ी का, स्वरूप उल्हांकर, स्वरूप उल्हांकर। इसके अलावा दो खिलाड़ी हो रहे हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है, दीपेंद्र सिंह और मनीष नरवाल। दीपेंद्र सिंह ने गोल्ड जीता है, मनीष नरवाल ने सिल्वर जीता है, तो ये भी याद रख सकते हैं। वैसे उतना जरूरी नहीं है, मेन आप याद रख लीजिए खिलाड़ी स्वरूप उल्हांकर और साथ साथ दीपेंद्र सिंह, इन्होंने गोल्ड जीता है, मनीष नरवाल ने सिल्वर जीता है। कौन से राज्य की सरकार ने शी पैड स्कीम लॉन्च करी है? जितनी भी लड़कियां हैं इस राज्य में सबको सैनिटरी पैड फ्री दिए जाएंगे। ये स्कीम स्टार्ट करी है केरल ने, और केरल की जो हेल्थ मंत्री है वो है के के शैलजा। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन CPIM पार्टी के, और 300 स्कूल्स में ये बांटे जाएंगे केरल के अंदर। भारत की क्या रैंक है बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स में सितंबर क्वार्टर के लिए? जो क्वार्टर सितंबर में खत्म हुआ है, यानी जो जुलाई अगस्त और सितंबर वाला क्वार्टर था, हम पहले सेकंड नंबर पे थे, अब आ गए हैं सेवंथ नंबर पे। नंबर वन कंट्री है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता, जो आसियान का सेक्रेटेरिएट है। दूसरे नंबर पे फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी, और तीसरे नंबर पे नेदरलैंड, जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड? इन्हें बेस्ट एम्प्लॉयर CPSU कैटेगरी में मिला है नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2017। ये है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, महारतन कंपनी है, 8 महारतन कंपनी है। BPCL 8वीं महारतन कंपनी बनी, पहले 7 थी, अब हो गई है 8। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी हैं इसमें। जैसे अगर पूछ लें कि चैंपियंस ऑफ चेंज बेस्ट एम्प्लॉयर प्राइवेट, तो वो मिला है एजीज इंडिया को, और स्पेशल रिकॉग्निशन ICICI बैंक को मिला है, बेस्ट स्टेट एंगेजिंग अप्रेंटिस हरियाणा को मिला है, कई सारे अवार्ड मिले हैं। इनमें से मृत्युपरांत किसे मिला है सुमित्रा चरत राम अवार्ड अपने आजीवन योगदान के लिए? इन्होंने ठुमरी को बहुत ज्यादा
पॉपुलर बनाया, बनारस घराने की थी ये, क्लासिकल सिंगर, इनका नाम है गिरिजा देवी, इनका भी अभी निधन हुआ है। प्रीति पटेल, इन्होंने ब्रिटेन की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। कौन सी पोस्ट पे ये थी प्रीति पटेल? ये थी इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी, और यूके की जो जो प्राइम मिनिस्टर है वो है थेरेसा मे। पांचवा भारत और इंडिया का ओवरसाइट मैकेनिज्म अभी अभी हुआ, कहां पे हुआ? ये पांचवा था दोनों देशों के बीच में, ये हुआ काठमांडू में। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भारत के नेपाल में राजदूत कौन है? उनका नाम है मंजीव सिंह पुरी। इनमें से जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक चींटी, जो चींटी होती है एंट, उसकी एक नई प्रजाति खोजी है जिसका नाम है टाइरेनोमिरमेक्स आली। ये नई चींटी कहां पे खोजी गई है? ये खोजी गई है पेरियार टाइगर रिजर्व में, पेरियार टाइगर रिजर्व में। और ये इन्होंने ट्रिब्यूट किसको दी है? मुश्ताक अली को। मुश्ताक अली जिन्हें भारत का चींटी मानव बोलते हैं, एंट मैन, तो मुश्ताक अली के नाम पे रख दिया है इसका नाम टिरेनोमिरमेक्स अली। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने एक स्टडी करवाई है, इसके हिसाब से कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं छोड़ता है? यह देश है भारत। भारत का जो एमिशन है 50% बढ़ा है 2007 से सल्फर डाइऑक्साइड का, और चाइना का कम हो गया 75%। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन कंट्रीज का समिट अभी अभी कहां पे हुआ? एपेक कंट्रीज ने बोलते हैं, ये हुआ वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसका थीम था क्रिएटिंग न्यू डायनामिज्म फॉस्टरिंग अ शेयर्ड फ्यूचर। रिपीट करता हूं, क्रिएटिंग न्यू डायनामिज्म फॉस्टरिंग अ शेयर्ड फ्यूचर। 3 दिवसीय ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस ये हुई अभी अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, इंडिया एक्सपो सेंटर। तो ये किसने इसका उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया राधा मोहन सिंह ने, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राम नायक है गवर्नर। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, नरोडा एटॉमिक पावर प्लांट है और रासलीला नाम का एक फेमस यहाँ का लोक नृत्य है। कौन सी भारतीय शॉर्ट फिल्म है जिसे बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड मिला? साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, यहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो, राजधानी है ओटावा। इस शॉर्ट फिल्म का नाम है द स्कूल बैग और ये बनाई किसने है? धीरज जिंदल ने बनाई है। और ऑस्कर में हमारी फिल्म जाएगी इस बार, जिसका नाम है न्यूटन। न्यूटन की भूमिका निभाई राजकुमार यादव, राजकुमार राव जिनका नाम है, और अमित मसूरकर है डायरेक्टर। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे हम मनाते हैं 8 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन विलियम रॉन्जन ने 1895 में एक्सरे किरणों का आविष्कार किया था। और इस बार इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम था अमरजेंसी रेडियोलॉजी, आपातकालीन रेडियोलॉजी। दूसरा, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल अभी अभी कहां पे हुआ? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल बहुत ही पॉपुलर ये फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है शिलोंग में, जो मेघालय की राजधानी है। मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो नाम के हिल हैं और यहां पे नोक्रैक और बालफक्रम नेशनल पार्क है। इनमें से कौन से शहर में अगले 5 महीने के लिए स्टील प्लांट बंद कर दिए गए हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए? तो ये कहां किया गया है? ये अभी अभी किया गया है बीजिंग में, चाइना की राजधानी में। शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, बीजिंग में भी जबरदस्त पॉल्यूशन है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी अभी ये परमिशन दी एक महिला को कि वो अपना 25 हफ्ते का जो बेबी है उसका क्या बोलते हैं उसको एबॉर्शन करवा सकती है उसका, क्योंकि उसमें उसके दिमाग में कुछ एबनॉर्मेलिटी है। अब ये बताइए कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो एबॉर्शन कितने हफ्ते से ज़्यादा अलाउ नहीं करता? 20 हफ्ते से ज़्यादा अलाउ नहीं करता, और अगर तब भी करवाना पड़े तो फिर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। भारतीय डेलीगेशन गई अभी अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो पेरिस में हुई थी, भारत की तरफ से कौन गया? भारत की तरफ से गए आर के सिंह, ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी और पावर मंत्री हैं, यानी जैविक ऊर्जा के और बिजली मंत्री हैं आर के सिंह। मूसा परमजीतियाना, ये एक नई प्रजाति खोजी गई है अभी अभी अंडमान निकोबार में। किस चीज की प्रजाति है मूसा परमजीतियाना? ये एक केले की प्रजाति है, बनाना की प्रजाति है, और इसका नाम परमजीत सिंह को सम्मान देने के लिए किया गया है। परमजीत सिंह कौन है? परमजीत सिंह बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर है, इसलिए इसका नाम रख दिया है परमजीतियाना, याद रखिए। और ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड पौधा है, ये प्रजाति है, यानी लुप्त प्राय, अति लुप्त प्राय है ये। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने अनाउंस करा है कि वो
गांव में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाएगी, विलेज लेवल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाएगी जिससे लोग ड्रग्स ना लें। तो ये अनाउंस करा है पंजाब की सरकार ने, और ये डी एडिक्शन केंद्र भी खोलेगी पंजाब की सरकार कई तरह के, जिसे लोग ड्रग्स ना लें। और एक ड्रग होता है ब्यूपी नॉर्फिन, ऐसे कुछ ड्रग का नाम है, वो भी सरकार प्रोवाइड करेगी डी एडिक्शन सेंटर में, जिससे लोग ड्रग्स की बजाय ये वाला ड्रग ले लें। ये कम हार्मफुल है कंपेयर टू कोकेन, हेरोइन वगैरह जो दूसरे ड्रग्स लिए जाते हैं। तो पंजाब की सरकार ने केयर कंपेनियन प्रोग्राम भी स्टार्ट करा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। एक बात और याद रखिए, पंजाब की जो सरकार है वो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रही है, वो बनेगी पटियाला में। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही चुनाव क्षेत्र है पटियाला। और जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी इसके लिए कमेटी भी बनाई है, जिसके चेयरमैन होंगे रणधीर सिंह। 2017 टॉप 100 सिटी डेस्टिनेशन सर्वे, ये यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल ने करवाया, इसके हिसाब से कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, ये देश है हांगकांग। हांगकांग 9वें साल लगातार नंबर वन है ये हांगकांग, और दूसरे नंबर पे है बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी, तीसरे नंबर पे है इंग्लैंड की राजधानी लंदन। कौन सी कंपनी है जिसने एक लंबा एग्रीमेंट साइन करा है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, ये गोद्दा झारखंड में बिजली सप्लाई करेगी 1600 मेगावाट प्लांट की, तो ये है अदानी पावर। अदानी पावर, इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है, सीईओ है विनीत जैन, गौतम अदानी है चेयरमैन, और ये पावर परचेज एग्रीमेंट इन्होंने साइन करा है, 1600 मेगावाट प्लांट है गोद्दा झारखंड में। अभी अभी एक नई ट्रेन जिसका नाम है बंधन एक्सप्रेस, ये स्टार्ट हुई है। ये पश्चिम बंगाल और कौन से देश तक जाएगी, ये जाएगी बांग्लादेश। प्रधानमंत्री शेख हसीना है, ढाका राजधानी है, टका करेंसी है, एक बात याद रखिए। बांग्लादेश में ये जाएगी खुलना तक और चलेगी कोलकाता से। तो ये दूसरी ट्रेन है भारत और बांग्लादेश के बीच में, पहली कौन सी थी, मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस, इसके अलावा दो पुल भी बने हैं, एक बना है मेघना नदी पे और दूसरा बना है टीटास नदी पे, ये भी भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ेंगे। इनमें से कौन सी कैब प्रोवाइडर कंपनी है जिसने नासा के साथ पार्टनरशिप करी है, अब ये फ्लाइंग कार सर्विस स्टार्ट करेगी 2020 में, इसका नाम ये रखेगी ऊबर एयर, लॉस एंजलिस में लॉन्च करेगी इसे। धारा खोसरो शाही है इस कंपनी के सीईओ, ये कंपनी है ऊबर, फ्लाइंग एयर कार सर्विस 2020 में स्टार्ट करेगी नासा की मदद से। और मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट, नासा का जो सैटर्न के लिए मिशन है उसका नाम, और जुपिटर के लिए जूनो है, सैटर्न के लिए जो मिशन है अभी अभी खत्म हुआ है, इसका नाम है कसीनी ह्यूजेंस। करीना डोर, इनका निधन हो गया, ये मशहूर क्या थी, करीना डोर, ये एक आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्म का नाम सुना होगा, यू ओनली लिव ट्वाइस, आप सिर्फ दो बार जीते हैं, उसमें ये एक्ट्रेस थी, उसके लिए जानी जाती है ये जेम्स बॉन्ड की पिक्चर के लिए, और ये एक्टर थी, ऑफकोर्स एक्ट्रेस थी। अब आप ये बताइए, देखिए जेम्स बॉन्ड भी कई तरह के हुए हैं, पियर्स ब्रॉसनन है, डेनियल क्रेग है, शॉन कॉनरी है, रोजर मोर है, तो अब ये बताइए कि ये जो फोटो में जेम्स बॉन्ड है ये कौन है, यानी ये जो फिल्म है यू ओनली लिव ट्वाइस, इसमें जेम्स बॉन्ड की भूमिका किसने निभाई थी। पहला नॉर्डिच बाल्टिक यूथ फिल्म फेस्टिवल अभी अभी भारत में कहां पे हुआ, नॉर्डिच बाल्टिक यूथ फिल्म फेस्टिवल, ये हुआ नई दिल्ली में। ये नॉर्डिच कंट्री किसे बोलते हैं, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लाटविया, लिथुएनिया, नॉर्वे और स्वीडन, इनको बोलते हैं नॉर्डिच बाल्टिक कंट्रीज, नॉर्डिच और बाल्टिक मिला के बता रहा हूं, तो ये बोलते हैं इनको नॉर्डिच बाल्टिक कंट्री। मैं रिपीट कर देता हूं, बाल्टिक समुद्र है वैसे, बाल्टिक सी के आसपास है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लाटविया, लिथुएनिया, नॉर्वे और स्वीडन, ये हैं नॉर्डिच बाल्टिक कंट्रीज। इनमें से कौन सा देश है जिसने एक नोटिफिकेशन उसको स्क्रैप कर दिया, कैंसिल कर दिया है, ये नोटिफिकेशन ये था कि जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको प्रमोट करने के लिए लगभग $500,000 एनजीओज को दिए जाएं भारत में, जिससे धार्मिक सहिष्णुता बढ़े, तो ये अब इस कंट्री ने नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया है। ये नोटिफिकेशन था यूएस का, और इन्होंने श्रीलंका के लिए भी इशू किया था एक। इनमें से कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इंक्लूड कर लिया गया है, ये शहर है चेन्नई। चेन्नई को क्रिएटिव सिटी नेट कर दिया गया है अपने म्यूजिक ट्रेडिशन के लिए। 44 देशों के 64 शहर हैं जिन्हें इंक्लूड किया गया है, और इस लिस्ट में पहले जयपुर और वाराणसी भी भारत के हैं। इनमें से कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिन्होंने अपना इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, यानी इंडिया में ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है, ये कंपनी है पेपैल। इनमें से कौन सा बॉलर है जिसने
एक नहीं बल्कि दो दो हैट्रिक ले लिए, एक फर्स्ट क्लास यानी जो लोकल क्रिकेट मैच होते हैं जैसे भारत में रणजी ट्रॉफी है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बोलते हैं उसे, तो इनका नाम है मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क, और ये आठवें गेंदबाज बने हैं ऐसा करने वाले। इन्होंने न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हैं और इन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को हराया। वुमेन्स और मैन सिंगल टाइटल ये किसने जीता 82वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो वुमेन का तो जीता सना नेहवाल ने और मेंस का जीता एच एस प्रणॉय ने। और याद रखिए ये आसान नहीं था, एच एस प्रणॉय ने किसे हराया, किदंबी श्रीकांत को, छोटी बात नहीं थी, और सना नेहवाल ने पीवी सिंधु को हराया। और अगर पूछ लें कि भाई डबल्स किसने जीता है तो मन्नू अत्री और बी सुमित रेड्डी ने जीता है, मन्नू अत्री और बी सुमित रेड्डी ने जीता है मेंस डबल। वुमेन डबल जीता है अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी ने। इसराइल 2017 जेनेसिस प्राइस किसे मिला है, यह प्राइस मिला है नताली पोर्टमैन को, ये एक जू है, यहूदी है जो इसराइल में रहते हैं और इन्होंने काफी काम करा है इसराइल के लोगों के विकास के लिए। इसराइल के वैसे प्रधानमंत्री पूछते हैं बेंजामिन नतन्याहू, राजधानी जेरूसलम। इनमें से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य है भारत का जो हेपेटाइटिस सी का इलाज मुंह से दिए जाने वाली दवाई के थ्रू कर रहा है, यानी ओरल मेडिसिन के थ्रू कर रहा है हेपेटाइटिस सी का इलाज, हेपेटाइटिस लिवर को अफेक्ट करता है, तो ये राज्य है हरियाणा। दिल्ली को पॉल्यूशन से बचाने के लिए एक केंद्र सरकार ने एक बनाया है पैनल कमेटी जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के थ्रू दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने का प्रयास करेगी। इसका चेयरमैन किसे बनाया है, इसके चेयरमैन बने हैं सी के मिश्रा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जिसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी, इन्होंने अभी अभी कितनी कंपनियों को 15 लाख रुपए का फाइन लगाया है क्योंकि ये मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग कर रही थी। ये टोटल कंपनी है 22। सेबी का ने अभी अपना होल टाइम मेंबर किसे अपॉइंट किया है, इनका नाम है संजीव कौशिक, और ये रिप्लेस किसे करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे एस रमन को। चेयरमैन है अजय त्यागी, हेडक्वार्टर है सेबी का मुंबई के अंदर। और अगर पूछ लें कि भाई बाकी होल टाइम मेंबर कौन से हैं, तो जी महालिंगम, माधावीपुरी बुच और संजीव कौशिक, ये तीन है होल टाइम मेंबर। मैं रिपीट कर देता हूं नाम, जी महालिंगम, माधावीपुरी बुच और संजीव कौशिक। इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन 2017 हुई, कहां पे हुई, इसका थीम था लाइफस्टाइल डिजीज, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुष। आयुष के तहत आप लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज वगैरह ये सब लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर आते हैं, उनका निवारण कर सकते हो। आयुष मंत्री हैं श्रीपद येस्सो नायक। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, पांच चीजों के लिए है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। ये मीटिंग हुई दुबई के अंदर। तो ये थे सेकेंड वीक पार्ट वन करंट अफेयर, काफी सारे क्वेश्चन कवर किए मैंने, काफी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है। पार्ट टू बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, शायद कल शाम तक लेकर आऊंगा पार्ट टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।